उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक का भाजपा सरकार को लेकर बयान सामने आया है। ब्रजेश पाठक ने कहा कि भाजपा सरकार उत्तर प्रदेश के सर्वांगीण विकास के लिए काम कर रही है। ये बजट सत्र है और बजट सत्र में सभी विधायकों को भाग लेकर उत्तर प्रदेश के विकास के लिए अपना योगदान करना चाहिए। समाजवादी पार्टी अपने DNA को कभी भी बदल नहीं पाई है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश के सर्वांगीण विकास के लिए, चतुर्मुखी विकास के लिए काम कर रही है। ये बजट सत्र है और बजट सत्र में सभी माननीय विधायकों को भाग लेकर के उत्तर प्रदेश के चतुर्मुखी विकास के लिए अपना योगदान करना चाहिए। लगातार देखा जा रहा है समाजवादी पार्टी अपने DNA को कभी भी बदल नहीं पाई। अराजकता, गुंडई, जिस ढंग से अव्यवस्था फैलाना उनका पुराना सगल रहा, उस पर वो कायम है और उत्तर प्रदेश की जनता ने इन्हें पहचान लिया है और इन्हें कभी स्वीकार नहीं करेंगी। ये लगातार और रसातल की तरफ जाएंगे।